नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को झटका, तृणमूल कांग्रेस के दो विधायक और 50 पार्षद बीजेपी में हुए शामिल। सीपीएम के एक विधायक ने थामा बीजेपी का दामन। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का दावा, राज्य के कई और नेता बीजेपी में आने के इच्छुक। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली हार के बाद इस्तीफे पर अड़े राहुल गांधी। कांग्रेस अध्यक्ष को मनाने के लिए प्रियंका गांधी समेत कई बड़े नेताओं ने की मुलाकात, बैठकों का दौर जारी। असम से राज्यसभा की दो सीटों के लिए नामांकन, बीजेपी के कामाख्या प्रसाद तासा और असम गण परिषद के वीरेंद्र प्रसाद वैश्य ने किया नामांकन, जरूरत पड़ने पर 7 जून को वोटिंग। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में जहरीली शराब से 12 की मौत, 40 से ज्यादा बीमार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए जांच के आदेश, मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख का मुआवजा। जिला आबकारी अधिकारी समेत विभाग के 10 कर्मचारी निलंबित। और कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकी ढेर। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और असलहा बारूद बरामद, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। और पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए पार्टी के 2 विधायक और 50 पार्षद आज बीजेपी में शामिल हो गए। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में बंगाल के बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने इन सभी को पार्टी की सदस्यता दिलाई। टीएमसी के जिन 2 विधायकों ने बीजेपी का दामन थामा है उनमें मुकुल राय के बेटे सुभांशु राय और तुषार कांति भट्टाचार्य शामिल हैं। इनके अलावा सीपीएम के विधायक देवेंद्र रॉय ने बीजेपी की सदस्यता ली। इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी के कुछ और विधायक बीजेपी में आने के इच्छुक हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेता मुकुल रॉय ने बंगाल में बीजेपी नेताओं पर हो रहे हमलों को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की हताशा का परिणाम बताया है। हर महीने अलग अलग चरणों में ज्वाइनिंग का कार्यक्रम होगा। ये पहले चरण में 3 विधायक और 50 काउंसलर हैं। 3 नगर पालिकाओं पर हमारा कब्जा है, जिला पंचायत पे भी हमारा कब्जा होगा। और अब धीरे 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 करके ममता जी के आतंक से, ममता जी की तानाशाही से परेशान होकर जिन लोगों का टीएमसी में दम घुट रहा है, वो सारे लोग बीजेपी में आना चाहते हैं। जो संस्कृति है भारतीय जनता पार्टी, जो क्रिस्टी है, ये हम लोग बर्दाश्त करने नहीं चाहता है। हम लोग खून को विश्वास नहीं करा है। देखिए, आप तो जानते हैं चुनाव होने के बाद 2 खून हुआ, उसके पहले हमारा 80 कार्यकर्ता खून हुआ। तो हम लोग खून का राजनीति विश्वास करते नहीं है। तो हम इस तरीके से बोल रहा है, ये हिंसा के लिए जो कोई दाई है तो तृणमूल ही दाई है। चंदन घोष तो भाजपा वर्कर है, तो बोल रहा है चंदन घोष हुआ है, सोंटू घोष हुआ है चाकदा में। तो ये 2 खून जो हुआ ना, हिंसा तो बोल रहा है हम लोग कर रहा है, लेकिन हम लोग कर रहा नहीं है, जो कर रहा है वो तृणमूल ही कर रहा है, अरे उसका साथ पुलिस है। और लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस में इस्तीफों की झड़ी लगी है। एक के बाद एक पार्टी के कई प्रदेश अध्यक्षों ने पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी को अपने अपने इस्तीफे की पेशकश की है। लोकसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने पर अड़े राहुल गांधी से आज पार्टी के कई बड़े नेता मुलाकात करने पहुंचे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और रणदीप सुरजेवाला और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत,
और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट उनसे मिलने पहुंचे। इसी बीच कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज शाम 4:30 बजे बैठक भी बुलाई, लेकिन कहा यह जा रहा है कि वो इस्तीफे की बात पर अड़े हुए हैं। मॉरल ग्राउंड पे इस्तीफा दे रहे हैं और उनको ये भी एहसास है कि कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे साथियों ने जितनी ताकत के साथ खड़ा होना चाहिए था इतनी ताकत के साथ नहीं खड़े हुए, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी की ज़रूरत है। जितनी ज़रूरत आज है राहुल गांधी की, शायद इससे पहले इतनी नहीं थी। पूरी कांग्रेस उनके साथ है, उनकी लीडरशिप के अंदर हम आगे बढ़ेंगे, पूरी मेहनत करेंगे। आगे 5 साल का वक्त हमारे पास है, जो कमियां रही हैं उन कमियों को दूर करेंगे और एक बार फिर चूंकि चुनाव हारे हैं, हमने अपने दिलों को नहीं हारा है। डुबन लगी है अकाली दल ते बीजेपी गठजोड़ दी, हुण इह जिहड़े इहनां दे भाईवाल आ भी करन लगे, पर एक गल मैं जरूर कहना चाहूंगा, लोकतंत्र है। चुनावों में निराशाजनक प्रदर्शन के चलते कई प्रदेश अध्यक्षों ने भी इस्तीफे की पेशकश की है और इसी बीच कांग्रेस की अगुवाई वाली राजस्थान सरकार के 2 मंत्रियों ने कहा है कि हार की जवाबदेही तय होनी चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पार्टी हित में राहुल गांधी को संगठन और सरकार में बदलाव का पूरा अधिकार है। और आइए इस बारे में और अपडेट लेते हैं अपने संवाददाता मोहम्मद फातेह टीपू से। आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से बैठकों का दौर जारी है, एक के बाद एक प्रदेश अध्यक्षों के इस्तीफे भी आ रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जो अपना इस्तीफे देने की बात पर अड़े हुए हैं, आज की बैठक के बाद क्या कोई सुलह हो पाई है, क्या कुछ आगे की तस्वीर दिख रही है? बिल्कुल अमृता, देखिए तस्वीर बिल्कुल साफ है। जिस तरीके से आम चुनावों में हार के बाद में कांग्रेस में लगातार मंथन जारी है, आज सवेरे की घटनाक्रम पे अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर सवेरे से ही कांग्रेस के बड़े नेताओं का तांता लगा है। राहुल गांधी के आवास पर मिलने का सिलसिला जारी है, उनको मनाया जा रहा था किसी तरीके से वो जो उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की है उस पर वो विराम लगा सके और एक बार फिर कांग्रेस की बागडोर संभाल करके इस संकट के काल में वो कांग्रेस को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर सके। लेकिन देखिए बिल्कुल साफ बात है, जिस तरीके से कांग्रेस ने कैंपेन किया था लोकसभा चुनाव का, पूरी स्ट्रेटजी उनकी पूरी तरीके से विफल चुकी है। लिहाजा राहुल गांधी ने CWC की बैठक में इस्तीफे की पेशकश करते हुए नैतिक जिम्मेदारी ली थी कि हम हार की जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन इस बीच पूरे कांग्रेस में उथल पुथल है। लेकिन अभी 4 बजे की अगर बात करें तो कांग्रेस का ऑफिशियल बयान आया कि CWC में ही सर्वसम्मति से तमाम सदस्यों ने राहुल गांधी के इस्तीफे को अस्वीकार कर दिया था और उन्होंने अनुरोध किया था कि आप ही पार्टी को संभाल सकते हैं। लेकिन यहां पर 2 तरह की बातें जो सामने आ रही है अमृता, वो ये है कि एक धड़ा चाहता है कि कांग्रेस की जो बागडोर है वो राहुल गांधी ही संभालें, दूसरी तरफ बात इस तरह की सामने आ रही है कि गैर जो गांधी परिवार से अलग हट करके जो कांग्रेस का कोई नेता है वो राहुल गांधी का ऐसा मानना है कि वो कांग्रेस अध्यक्ष के पद संभाल सकते हैं। क्योंकि अगर आप कांग्रेस के इतिहास पर नजर डालेंगे तो चाहे वो पुरुषोत्तम दास टंडन हो, चाहे वो निजलिंग अप्पा हो, उसके अलावा चाहे वो के कामराज हो, तमाम अध्यक्ष तो गांधी परिवार से हट करके कांग्रेस की बागडोर संभालते रहे हैं। लेकिन आज कांग्रेस के तमाम नेताओं का मानना है कि जिस तरीके से कांग्रेस ने देश के लिए समर्पण दिया है, लिहाजा राहुल गांधी ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो कांग्रेस की नैया को पार लगा सकते हैं, यही खेवनार हो सकते हैं। लिहाजा माना जा रहा है कि ये तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है कि राहुल गांधी ही शायद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहेंगे, ऐसा कांग्रेस पार्टी का बयान आया है। बावजूद इसके कि राहुल इस्तीफा देने पर अड़े हैं, सभी लोग उन्हें मनाने में जुटे हैं और हो सकता है कि वह अध्यक्ष पद पर कायम रहें। आगे बढ़ेंगे, शुक्रिया मोहम्मद फाते आपका। कर्नाटक बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष BS येदुरप्पा ने लोकसभा चुनाव के दौरान मिली ऐतिहासिक जीत के बाद एक बार फिर से राज्य में कांग्रेस JDS सरकार भंग कर विधानसभा चुनाव कराने की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी ने हाल में हुए लोकसभा चुनाव में कर्नाटक की 28 सीटों में से 25 पर शानदार जीत दर्ज की है। Out of 25 Lok Sabha, won 25 Lok Sabha constituencies. Better if they dissolve the assembly and go for fresh elections. For that, we'll welcome it. राज्य सभा की 2 सीटों के लिए 7 जून को चुनाव होगा। उच्च सदन के 2 सीटों के लिए आज नामांकन की अंतिम तारीख समाप्त हो गई, जबकि 29 मई को जांच के बाद उम्मीदवार 31 मई तक नामांकन वापस ले सकेंगे। जरूरत पड़ने पर 7 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। शाम 5 बजे से मतगणना की जाएगी।
जो जिम्मेदारी दिया मैं उनको धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ और चाहता हूँ कि भविष्य में आसाम के लिए काम करना है, अपना स्टेट के लिए काम करना, अपना आदमी के लिए काम करना है, ये हम पूरा निभाएंगे और राष्ट्रहित के लिए जो काम करने के लिए हम लोग को उत्साहित किया है और जो दायित्व निर्वाह किया है उसको हम पालन करेंगे। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने राज्यसभा टेलीविजन के लिए बनाई गई कंटेंट एडवाइजरी कमेटी का पुनर्गठन किया है जिसमें राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल हैं। इस 10 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश करेंगे। उपसभापति के अलावा समिति में जो अन्य सदस्य शामिल हैं वो हैं डॉक्टर विनय पी सहस्त्रबुद्धे, ऑस्कर फर्नांडिस, प्रोफेसर राम गोपाल यादव, ए नवनीत कृष्णन, डेरेक ओब्रायन, अच्युतानंद सामंत और इसके अलावा के रागेश, वंदना चौहान और स्वपन दास गुप्ता की समिति राज्यसभा टीवी से जुड़े मुद्दों पर अपने सुझाव देगी। बिम्स्टेक देशों के प्रमुखों को 30 मई को होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में न्योता भेजा गया है। 2014 में भी जब पहली बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो सार्क देशों के प्रमुखों को आमंत्रित किया गया था। बिम्स्टेक देशों के प्रमुखों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित करना भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति को मजबूती से दिखाता है। ये भारत की तरफ से उन पड़ोसी देशों के साथ संबंध मजबूत करने की पहल है जो क्षेत्र में शांति चाहते हैं और आतंकवाद का समर्थन नहीं करते। इस समारोह में बांग्लादेश की ओर से वहां के राष्ट्रपति शामिल होंगे। भारत में ये जो खुशी का वातावरण है, एक जश्न का माहौल है, सरकार पुनर्जीत जीत कर आई है, इसलिए इस उत्सव में, इस सेलिब्रेशन में जो हमारे पड़ोसी देश हैं और जिनके साथ हमारी मित्रता है और जो मित्रता बढ़ाना चाहते हैं हमारे साथ, उनको हमारे इस जश्न में निमंत्रण दिया गया है। शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान को न्योता नहीं भेजा गया है क्योंकि पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देता है। ये एक तरह से सार्क देशों से पाकिस्तान को अलग थलग रखने की नीति है। पाकिस्तान को ऐसे निमंत्रण बुलाने से होता क्या है कि वो भारत पाकिस्तान संबंध हावी हो जाते हैं और बाकी संबंध, बाकी जो अतिथि होते हैं वो उनके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं जाता है, ना हमारे मीडिया का ना किसी और का, तो वो अच्छा नहीं होता है। इसलिए बेहतर है कि पाकिस्तान के साथ जो हमारे संबंध है उनको अलग रखा जाए, उनके साथ अलग बातचीत की जाए, जो भी करना है वो करें। बिम्स्टेक के प्रमुखों की भारत में पहली बार बैठक 2016 में ब्रिक्स समिट के दौरान गोवा में हुई थी। भारत मेजबान देश था इसलिए सभी प्रमुखों को नेता भेजा गया था। उस समय भी पाकिस्तान को दरकिनार किया गया था, तभी से भारत के संबंध बिम्स्टेक समूह के देशों के साथ मजबूत हैं। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। नवगठित लोकपाल ने अपने लोगो और मोटो के लिए प्रतियोगिता शुरू कर दी है। इसके संबंध में आधिकारिक घोषणा की गई है और जनता से प्रविष्टियां मांगी गई है। लोगो यानी कि प्रतीक चिन्ह और मोटो यानी कि ध्येय वाक्य के लिए शुरू की गई प्रतियोगिता 13 जून तक चलेगी। प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए कोई भी व्यक्ति तय अवधि के भीतर अपनी प्रविष्टियां भेज सकता है। घोषणा के मुताबिक लोगो और मोटो आकर्षक होना चाहिए और 4 से 5 शब्द का ही होना चाहिए। ये हिंदी, अंग्रेजी या संस्कृत में हो सकता है। सभी प्रविष्टियों का मूल्यांकन लोकपाल की ओर से गठित एक चयन समिति करेगी और विजेता को ₹25,000 के नकद पुरस्कार दिया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक लोकपाल के ध्येय वाक्य के लिए अब तक 1239 और प्रतीक चिन्ह के लिए 365 प्रविष्टियां मिल चुकी हैं। लोकपाल एक संवैधानिक निकाय है जिसका गठन लोकपाल और लोकायुक्त कानून 2013 के तहत किया गया है। लोकपाल का गठन कुछ खास श्रेणियों के नौकरशाहों और पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए किया गया है।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 23 मार्च को लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष को शपथ दिलाई थी। और उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में रामनगर थाना क्षेत्र में जहरीली शराब पीने से 12 लोगों की मौत हो गई और 40 से ज्यादा बीमार हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने 3 लोगों समेत शराब दुकानदार के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। पुलिस के मुताबिक सोमवार को जहरीली शराब के सेवन से लोगों की तबीयत खराब होने लगी। इसके बाद तत्काल लोगों को रामनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती किया गया, जहां पर इलाज के दौरान 12 लोगों ने दम तोड़ दिया। वहीं 40 लोगों का इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मरने वालों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। साथ ही मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा राज्य सरकार ने की है। वहीं मामले की जांच के लिए कमिश्नर, IG अयोध्या और आयुक्त आबकारी विभाग की जांच समिति बनाई गई है। समिति अगले 48 घंटे में जांच रिपोर्ट देगी। बाराबंकी में जहरीली शराब से हुई मौतों के मामले में जिला प्रशासन के 1 अधिकारी, 5 पुलिस अधिकारी और 3 हेड कांस्टेबलों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। पहले तो प्रत्येक मृतक को 2 लाख की आर्थिक सहायता, मगर इसके अंदर एक जांच कमेटी बनाई है तुरंत। इसके अंदर आयुक्त अयोध्या, आबकारी आयुक्त, IG अयोध्या, ये सब लोग संयुक्त जांच करेंगे और 48 घंटे में रिपोर्ट देंगे। और जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में आज सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में आतंकी गुट हिजबुल के 2 दहशतगर्द मारे गए। मुठभेड़ अनंतनाग के कोकेरनाग इलाके में हुई, जहां पर सुरक्षा बलों को आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। आतंकियों के पकड़ने के लिए सुरक्षा बलों ने इलाके में तलाशी अभियान चलाया था, जिसके बाद उस घर को घेर लिया गया जहां आतंकी पनाह लिए हुए थे। लेकिन इसी बीच आतंकियों ने जवानों पर गोलीबारी शुरू कर दी और जवाबी कार्रवाई में मारे गए। मारे गए आतंकियों के पास से हथियार और असलाह बारूद बरामद हुआ है। फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकियों के खिलाफ इस अभियान में जम्मू कश्मीर पुलिस के अलावा 19 राष्ट्रीय राइफल्स और CRPF के जवान संयुक्त रूप से शामिल हैं। और कारगिल युद्ध की 20वीं वर्षगांठ पर भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल BS धनोआ ने आज MI-17 हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी। वायुसेना प्रमुख ने ये उड़ान कारगिल के दौरान शहीद हुए सरसावा यूनिट के जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए भरी। 28 मई 1999 को भारतीय वायुसेना की सरसावा यूनिट के स्क्वाड्रन लीडर राजीव पुंडीर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट S मुहिलान, सार्जेंट PVNR प्रसाद और सार्जेंट RK साहू MI-17 के जरिए भारतीय सैनिकों को मदद पहुंचा रहे थे और इसी दौरान दुश्मनों की मिसाइल की जद में आने से ये जवान शहीद हो गए थे। टुडे वी कमेमोरेट द सैक्रिफाइसेस मेड बाय स्क्वाड्रन पुंडीर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट मुहिलान, सार्जेंट साहू एंड सार्जेंट प्रसाद। द मिशन दैट दे फ्लू ऑन द 28th of May 1999 in a Mi-17 helicopter in carrying out a strike in the Tiger Hill area. And basically they flew the mission knowing fully well that the aircraft did not have any countermeasure dispensing systems, and there was a manpad threat. We had lost a MiG-21 a day prior to the manpad. Despite all the odds, the mission was flown by four helicopters. And all of them attacked the target correctly, but unfortunately, in these people, when they were turning away after firing their weapons, then they were shot. It's a saga of bravery in the sense that despite the odds, they knew what was against them, and they still went ahead and successfully carried out the mission. और देश के अधिकतर हिस्से गर्मी की मार झेल रहे हैं। इनमें से कुछ जिलों में सूखे के चलते स्थानीय लोग पानी की समस्या से परेशान हैं। मीलों पैदल चलकर पानी लाने के लिए मजबूर लोग सरकार से इस समस्या का समाधान करने की मांग कर रहे हैं। उधर तेलंगाना में लू से अब तक 18 लोगों की जान जा चुकी है। भजन
भजन कीर्तन के जरिए पानी की मांग करने की ये तस्वीरें महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले की हैं। ये लोग गोदावरी में पानी छोड़े जाने के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं। इनकी मांग है कि उन्हें जल्द से जल्द पानी की सुविधा मुहैया कराई जाए। महाराष्ट्र सरकार इस समस्या से निपटने के लिए पानी के टैंकरों के जरिए कई जिलों में पानी पहुँचाने के लिए हर संभव कोशिश में जुटी हुई है। गर्मी के महीनों में महाराष्ट्र के कई जिलों में पानी की कमी की समस्या सामने आती है। भूजल में हो रही लगातार गिरावट इस समस्या का सबसे बड़ा कारण है। स्थानीय लोगों को कोसों पैदल चलकर पानी भरकर लाना पड़ रहा है। हालांकि इस समस्या से निजात दिलाने के लिए सरकार पाइपलाइन बिछाने का काम कर रही है। हमें अपने बच्चों के साथ पानी लेने के लिए काफी दूर तक पैदल चलना पड़ता है। इससे हमारे पैरों और पूरे शरीर में दर्द होता है। इतनी गर्मी में भी हम इतनी पहाड़ी चढ़कर पानी लेने आए हैं। बढ़ती गर्मी से सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश के कुछ और राज्य भी प्रभावित हैं, जहां लोगों को पानी के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। केवल पानी ही नहीं, तेज चलती गर्म हवाओं ने भी उत्तर भारत को झकझोर रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और भारतीय विदेश सेवा के 2018 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों ने आज उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से मुलाकात की। इसमें भूटान के 2 प्रशिक्षु अधिकारी भी शामिल हुए। ये अधिकारी अपनी ट्रेनिंग खत्म होने के बाद विदेश सेवा में तैनात किए जाएंगे। उपराष्ट्रपति ने अधिकारियों से सामयिक मुद्दों पर चर्चा भी की। उन्होंने अधिकारियों को आतंकवाद के बढ़ते खतरे को लेकर विश्व को एकमत करने में सहयोग करने की सलाह दी। Let me impress upon you the grave nature of the threat that the world community as a whole faces due to terrorism. No country in the world is immune to consequence of terror, and now therefore curbing this menace would require a united response from the world nations. Earlier we used to be victims, others used to watch, or they used to sympathize. But now it has become a worldwide phenomenon. And terror is not confined to one region or not confined to one religion also. और चंडीगढ़ की 8वीं कक्षा की छात्रा अनन्या कंबोज स्पेन में आज से शुरू हो रहे इंटरनेशनल फुटबॉल फॉर फ्रेंडशिप कार्यक्रम में एक युवा पत्रकार के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली हैं। इस कार्यक्रम का मकसद बच्चों में फुटबॉल को बढ़ावा देना, उनके बीच संस्कृतियों और विभिन्न देशों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान को बढ़ावा देना है। अनन्या कंबोज तीसरी बार इंटरनेशनल फुटबॉल फॉर फ्रेंडशिप कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। पंजाब के मोहाली में रहने वाली 14 साल की छात्रा अनन्या कंबोज, जो फुटबॉल पर एक विशेष लेख लिख रही हैं, वो तीसरी बार अंतर्राष्ट्रीय बाल सामाजिक कार्यक्रम फुटबॉल फॉर फ्रेंडशिप में हिस्सा लेंगी और 30 मई को स्पेन की राजधानी मैड्रिड में होने वाले इस कार्यक्रम में भाषण देंगी। ये कार्यक्रम यूएएफए चैंपियंस लीग के आधिकारिक साझेदार गाजप्रोम पीजेएससी की ओर से चलाया जाता है। ये कार्यक्रम 28 मई से 2 जून तक मैड्रिड में होगा। अनन्या का कहना है कि वो मानती हैं कि बच्चों के खेल और सांस्कृतिक शिक्षा दोनों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। फुटबॉल फॉर फ्रेंडशिप कार्यक्रम के 9 मूल्य बच्चों को खेल के मैदान और जीवन दोनों को बेहतर बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। Father and my grandfather encouraged me, like they used to tell me that pick up the newspaper, read it like how many times you can and then underline the difficult words. After reading it, then you need to find the meanings of those difficult words and like write those word and meanings in a separate notebook. Then what is your experience about this effort? Like I have a very good experience about Football for Friendship program. Also, it has helped me to make our friends across the globe. Also, I have learned all the 9 human values that are very essential for one's life to become a very good human person. अनन्या के माता-पिता का कहना है कि उसे नई संस्कृतियों के बारे में जानना और लिखना बेहद पसंद है। हाँ, definitely daily I give her one paragraph to write one article and she writes. अब तो इसकी हैबिट बन गई है, NI न्यूज़पेपर में ये लिखती है,
वीवा फुटबॉल मैगजीन है उनके लिए लिखती है, इवन आर्टिकल शी राइट आर्टिकल्स फॉर लाइक फीफा। मेरे हिसाब से गर्ल्स को जो बेटियां हैं वो एक आगे चल के मतलब एक अलग जिंदगी नहीं शुरू करती हैं, तो उनको और ज्यादा मतलब एजुकेटेड होना चाहिए, पूरी फैमिली को संभालती हैं, तो मैं उसको हर फैसिलिटी देने की कोशिश करती हूँ। अनन्या ने 2018 में फुटबॉल फॉर फ्रेंडशिप कार्यक्रम की अपनी यादों पर एक किताब लिखी है। इतनी छोटी सी उम्र में अनन्या ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। अनन्या ब्रिक्स देशों के गुडविल एम्बेसडर में शामिल हैं। उन्होंने कई बड़े प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लिया है। प्रोजेक्ट्स के इतिहास में पहली बार अनन्या कंबोज को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में 2019 में आर्थिक और सामाजिक परिषद युवा मंच में सभी युवा राजदूतों की ओर से बोलने का निमंत्रण मिला। यंग जर्नलिस्ट के रूप में वो स्कूलों का दौरा कर छात्रों को फुटबॉल फॉर फ्रेंडशिप के 9 मूल्यों के बारे में बताती हैं। रविंद्र सिंह शोरान, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।